सब्सक्राइब कीजिए theworldcricket.com को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिस्टर गोपाल सिंह, फिर से अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मिस्टर दीपक, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। गोपाल सिंह जोर से घुमा के मारा है, काफी अच्छी फील्डिंग फोरमैन की, ये भी अच्छी फील्डिंग करते हैं फोरमैन, लेके तैयार। और इस बार गेंद थी स्लॉट में, लेकिन नहीं, कैच मिस, फिरोज के हाथों कैच मिस। फिरोज अमूमन कैच मिस नहीं करते हैं, लेकिन एक मौका था गोपाल सिंह को बाहर। काफी अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, जगह में गेंदबाजी। और इस बार गेंद थी स्लॉट में, पार कर दिया पार्किंग लॉट में, सीधा 6 रन के लिए। आई एन हैंडसम था, इस बार देखते हैं, इस बार भी ड्राइव का प्रयास, लेकिन कोई रन नहीं। फिर से अच्छी गेंदबाजी, इस बार भी केवल सिंगल ही मिलेगा। और इस बार स्लोर फुल टॉस गेंद थी, और फिर से मिस फील्डिंग फिरोज के द्वारा। इस तरह की फील्डिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं फिरोज, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है उनको, सिंह के बल्ले से आए हैं। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी कोई रन नहीं, इजहार। और इस बार गेंद मिली स्लॉट में, पार किया बाजू वाले के प्लॉट में, जर दिया सीधा फाइन लेके सर के ऊपर से 6 रन के लिए। इस बार भी जोर से घुमा के मारा है, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, रन आउट का मौका। और इस बार फ्लिक शॉट काफी बढ़िया, स्लॉट में थी गेंद 6 रन के लिए। और इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, सीधा 6 रन के लिए गोपाल सिंह के बल्ले से, रन पहुंचा, एक गेंद फ्री गेंद। फिर से फुल टॉस गेंद थी, और फिर से नो बॉल का इशारा, इस बार भी अंपायर के द्वारा नो बॉल का इशारा। चलते हैं हमारे सीनियर मोस्ट लवेबल कमेंटेटर मिस्टर रवि भैया की ओर। धन्यवाद तिनी भाई, मध्याह्न भोजन पर दर्शक अनेकखानी वृद्धि पे অত্যন্ত পরিপক্ক ব্যাটসম্যান, একদিকে পিকু অপরদিকে গোপাল, শেষ বল একেবারে লেন্থে কমতি, এবং সেটি অবলীলায় পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে ওভার বাউন্ডারি। প্রথম বলেই ওভার বাউন্ডারি, দ্বিতীয় বলে একটি রান, বলের পিছনে ছুটছেন ফিল্ডার, একেবারে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে, সেখান থেকে ফেরত আসার আগে একটি রান এবং দ্বিতীয় রান, থ্রুটি কিন্তু ভালো হয়নি। এরপরেই কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, শেষ ওভার আর কয়েকটি বল বাকি, আবার একটি রান, প্রথম বলে ওভার বাউন্ডারি, তারপরে আরও দুটি বল হয়েছে, তিনটি বল থেকে রান সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু 9টি রান, অর্থাৎ পিকুর যুগলবন্দি কিন্তু 22 গজ একেবারে দাপিয়ে বেরিয়েছেন। বলতে বলতে আবার লেন্থে কমতি, যদিও এই বলটি মাঠের বাইরে, আর দর্শক একেবারে খুশিতে টক টক করছেন, অর্থ
ক্রস খেলতে যিনি সবথেকে বেশি ভালোবাসেন, স্কয়ার লেগ মিডিকেটের এরিয়ায় সবথেকে বেশি রান কিন্তু এসছে গোপাল সিং এর